अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हसीना। तो देखिए, आज हमने बहुत ही लाजवाब टेस्टी रेसिपी कुलचा और छोले की बनाकर रेडी किया है। और बिल्कुल स्ट्रीट फूड जो हम ठेले वाले के पास जाकर खाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने काबुली चने को रात भर भिगाया है 4 से 5 पानी में धोने के बाद। उसके बाद उसी पानी के साथ में हमने यहाँ पर उबालने के लिए इसे रख दिया है। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है और कोकम 3 से 4 टुकड़ा। तो पहले हम इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही उबलने के लिए रखेंगे। जब इसके ऊपर जो फेस जमा हो जाता है फोम, उसको हम निकालेंगे। उसके बाद इसमें ढक्कन लगा के इसको अच्छे से उबाल के लेना है। तो ये देखिए, ये जो निकला है ना फोम, इसे हमें निकाल के लेना है। इससे भी थोड़ा टेस्ट में फर्क पड़ता है। ढक्कन लगाने के बाद गैस का फ्लेम हमें एकदम मीडियम टू लो रखना है। छोले बनाने के लिए हम सीक्रेट मसाला रेडी करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 7 से 8 लाल मिर्ची ली हूँ। और हमें लेना है ये चना है, ये भुना हुआ चना। ये देखिए, ये चना है, इसको हमें छिलके निकाल के लेना है। ये देखिए, तो ये मैंने हाफ कटोरी लिया है। एक चक्री फूल लेंगे। ये देखिए, दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे हैं, तो इसलिए मैंने 3 लिया है यहाँ पर। एक टुकड़ा जावित्री का, 1 चम्मच जीरा, एक चम्मच बड़ी सौंफ लेना है। मेरे पास पाउडर है इसलिए मैं पाउडर लेती हूँ। देखिए, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 2 चम्मच अखा धनिया, 10 से 15 लौंग लेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल, 1/2 चम्मच काला नमक। इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी लेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास नहीं है तो मैं इसके बदले इमली भिगाकर यूज करने वाली हूँ। तो इन सारे मसालों को हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे, और ये हम बचेगा वो मसाला हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, मसाला एकदम रेडी है। तो देखिए, छोले का सीक्रेट मसाला रेडी है। तो अब हम कुलचे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 चम्मच ईस्ट लिया है, ड्राई ईस्ट। तो ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो इसमें हम गुनगुना गरम पानी ऐड करेंगे। तो चलिए, अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कटोरी, इसको हमें छान के लेना है। और इसमें हम हाफ टीस्पून नमक ऐड करेंगे। देखिए, ईस्ट इसको ऐड करेंगे जो हमने भिगा कर रखा था 10 मिनट। इसको अच्छे से मिला के लेंगे। इसमें हम पानी या फिर दूध से गूंद के लेंगे, या हाफ पानी और हाफ दूध भी ले सकते हैं। देखिए, इसका हमें एकदम नरम आटा रेडी करना है। तो 1 कप दूध लग गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। देखिए, अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बटर डालने से कुलचे एकदम सॉफ्ट रेडी होते हैं। तो देखिए, हमारा डो रेडी है, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब हम इसे फूलने के लिए रख देंगे। ये डबल होगा साइज में, तो कोई भी कपड़े लीड से या कपड़े से हम इसे ढक के साइड में रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा डो। ये देखिए, डबल हो चुका है। तो अब इसको भी थोड़े देर अच्छे से 2-3 मिनट के लिए ऐसे मल लेते हैं, फिर इसके हम कुलचे बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम लोई बना लेंगे। तो सरफेस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको हम बेल लेंगे।
कलौंजी थोड़ा सा छिड़क देंगे। ये देखिए तिल, थोड़ी सी हरी धनिया को प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। देखिए पैन को मैंने रखा है गर्म करने के लिए, तो मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए इसे अब हमें डाल लेती हूँ। इसको हम लगाकर एकदम स्लो आंच पे सेक कर लेंगे। चलिए दूसरा भी हम रेडी करके लेते हैं। ये कलौंजी है, तो ये देखिए, देख सकते हैं आप अच्छे से नीचे से सिक चुका है। तो इसको पलट देंगे, तो ऊपर से थोड़ा मक्खन लगा के लेंगे। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मक्खन का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छे से सेंक के लेते हैं इस तरह से दबाते हुए। तो इसको मैं पलट देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत। तो ऊपर से भी मैं थोड़ा सा मक्खन लगा के लेती हूँ इसे एक बार। बस ये अब रेडी है। इसको भी हम सेम प्रोसीजर, ये सेकेंड वाला भी रेडी है। रेडी है ये देखिए, छोले उबल कर रेडी है। मसाले भी हमारे तैयार है जो हमने पीस के लिया था। एक चम्मच अदरक लेंगे बारीक कटा हुआ। ये देखिए तीन से चार प्याज है इस तरह से स्लाइस में कटे हुए। हरी मिर्ची है बीच में से चीर के इस तरह से कटा हुआ। और टमाटर है तीन से चार। ये इमली, इसका पानी यूज करना है हमें। हल्दी लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लेंगे। सो चलिए कुछ पहले हम, तो चलिए छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे कम से कम 4 से 5 चम्मच। अदरक डालेंगे, प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा मैं बचा लूंगी प्याज को और हरी मिर्ची को भी। अच्छे से सौते करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ये हल्का सा, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, एकदम हल्का सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें चने डालेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी हम थोड़ा सा बचा के लेंगे। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। तो देखिए अच्छे से टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे। इसका जो पानी है चने का वो हम बाद में यूज करेंगे, अभी जितना चाहिए सिर्फ चना लेते हैं अभी हम। देखिए कोकम को मैं निकाल के लेती हूँ। तो चने डालने के बाद हमने जो मसाला रेडी किया है वो ऐड करेंगे। ये देखिए कम से कम 2 चम्मच इस वक्त मैं ऐड करती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हम और ऐड करेंगे। नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। जो हमने ड्राई मसाले में चना भुना हुआ चना लिया है उसकी वजह से इसका जो मसाला है ठीक होता है, ग्रेवी मतलब गाढ़ी होती है इसकी। 1 चम्मच मसाला और डालेंगे, थोड़ा सा उबले हुए चने का पानी डालेंगे। ये देखिए पानी डालने के बाद अच्छे से मिला के लेंगे। तो स्ट्रीट फूड वाले क्या करते हैं कि जैसे जैसे उनको ऑर्डर आता है चना उबला हुआ रेडी रहता है और सारे मसाले रेडी रहते हैं, जैसे जैसे उनको ऑर्डर आता है उन लोग तवे पे फ्राई करके फटाफट देते जाते। तो हम लोग क्या घर के लिए बना रहे थे, हमने एक साथ ही बना लिया है। और कोकम की वजह से ये चने ऑलरेडी खट्टे रहते हैं थोड़े, तो वो हिसाब से आप इमली का पानी, आप जरूरत पड़े अगर आपको लगता है कम खट्टा है तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं उसको। या तो फिर कोकम नहीं डालना है, कोकम डालने की वजह से मतलब कोकम इसलिए डालना है क्योंकि पानी जो है कलर उसका चेंज होता है, जिसकी वजह से चने का कलर भी अच्छा आता है। और कोई कोई क्या करता है कि चाय पत्ती का पानी डालता है कलर चेंज करने के लिए, मतलब कलर अच्छा दिखने के लिए चाय पत्ती का उबला हुआ पानी भी डालते हैं। और कुछ लोग इसमें आंवला डालते हैं, सूखा हुआ आंवला,
तो उससे भी कलर अच्छा आता है। तो मेरे पास कोकम अवेलेबल था तो मैंने कोकम डाल दिया है। देखिए अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें हरी धनिया बारीक कट करके डालेंगे। ये देखिए छोले बिल्कुल बाजार जैसा, जो हम गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे और इसे ढक देंगे। तो कुलचे सेके थे उसी पैन में हम थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे। ये मैं आपको बता रही स्ट्रीट वाले कैसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने मक्खन ले लिया है। प्याज और हरी मिर्च जो हमने बचा कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। टमाटर भी डाल देंगे साथ ही में और ये हरी धनिया भी साथ में डालेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। ये जो छोले मसाले हमने बनाए थे वो पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे इसमें। तो अच्छे से मिला के लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है इस वक्त। ये अच्छे से इसको पका कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच। बस पानी के साथ थोड़ा पका के लेंगे अच्छे से। इसमें हम हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए ये छोला कुलचे के साथ जो सलाद सर्व करते हैं वो भी रेडी है हमारा। तो ये देखिए सलाद बिल्कुल रेडी है। गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और सर्व करके दिखाती हूँ आपको इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सर्व किया जाता है। ये देखिए ये देखिए छोले के बनके तैयार है। कुलचे और छोले बहुत ही टेस्टी एकदम शानदार रेसिपी। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रीट फूड और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ये देखिए तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट जरूर करें। ये देखिए बहुत ही बिल्कुल टेस्टी। आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ऐसे ही बिल्कुल मेरे ही तरीके से बनाकर देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिये।